जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना, अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिला ये मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिला ये मिलन का यूं चलता रहे, भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो साथ में आप हो, सामने आप हो साथ में आप हो, आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। मैं बाबा का सिक्की लदा बच्चा, बाबा के सम्मुख शुभ संकल्प करता हूं। कि मैं निरंतर आपको याद करके श्रेष्ठ स्थिति में रहूंगा। मन वचन कर्म से सबको सुख दूंगा। हर कर्म में आपको ही साथी बनाऊंगा। मेरी बुद्धि का सहारा केवल आप हैं। आप ही मेरे जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दे। सुंदर दृश्य देखें, उस हाथ से भी कितनी किरणें निकल रही हैं, नैनों से भी किरणें निकल रही हैं, मस्तक से भी बाबा शक्तियां दे रहे हैं।
अपने बाबा का सिक्किला था बच्चा, बाबा की पसंद बन के दिखाऊंगा, वही करूंगा जो बाबा को अच्छा लगता है, वही सोचूंगा जो बाबा को अच्छा लगता है। मेरे हर कदम में मेरे बाबा साथ हैं, बाबा आपने मुझे दृष्टि देकर, शक्ति देकर, कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए तैयार किया है। मैं अपने कर्मों से आपको प्रत्यक्ष करूंगा, विश्व की हर आत्मा को अपना परिवार समझते हुए सबको शुभ भावनाएं दूंगा, अपने जीवन को सहज भाव से जीते हुए बेफिक्र स्थिति में रहूंगा, अपने इन संकल्पों को मन ही मन दोहराए और कर्म क्षेत्र पर पूर्ण करने का संकल्प ले। अभी उस महाज्योति पर फिर से एकाग्र हो जाए, सत्यम शिवम सुंदरम पर मन बुद्धि को एकाग्र कर अपने को शक्तियों से भर ले, प्यार से भर ले, सुख से भर ले, स्वीकार करें मैं बाबा का, परम पिता का सिक्किलता बच्चा हूं। शांति श्रीरंग भाई जी, ओम शांति। हाँ जी भाई जी, आप मुरली पढ़ सकते हैं। हाँ जी, वो कहाँ तक आई है वो बताएंगे, सेकंड पार्ट। स्क्रीन शेयर किए हैं भाई जी। अच्छा, पेज नंबर 162 है भाई जी। 162। ओके हाँ जी, हाँ, या सेकंड पैराग्राफ। ओके ओके।
ओम शांति। तो मुरली, सबका आवाज आ रहा है ना? हाँ जी भाई जी, हाँ जी। खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा, अपने को गुणों से, शक्तियों के खजानों से खाली अनुभव करेगा, लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिसर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ओम शांति भाई जी। जी आपको यहां से स्टार्ट करना है, अपने आप को चेक करो। 162 पेज है ना ये दीदी, उसका? वो जी पेज के भी भाई, एंड पे हो पहुंच गए थे हम। वो कल भाई जी ने एकदम एंड तक पढ़ लिया था। मेहनत नहीं करने चाहते तभी वहां रुके थे। बाप के साथ की पेज समृद्धि चाहिए, वो नंबर, प्रकट पेज नंबर होने। वन 162 एंड। सिक्स हाँ, मेहनत और अटेंशन चाहिए। मेहनत नहीं चाहिए। वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती है। ओके, यही है ना? शेरू भाई जी, कहाँ बनना चा से पढ़ना है? अच्छा, जी जी बोलिए। चलिए, ऑर्डर पर लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं, इस कारण जो एकदम कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की स्मृति चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करने चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती हैं वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करने नहीं आती, लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो कोर्स में बाप दादा ने बताया नहीं है?
कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े? यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है, इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो। बाबा कह रहे हैं कि अभी समय रियलाइजेशन का जो कोर्स चल रहा है, तो इसमें बाबा ने हर एक बात हम सब बच्चों को बताई है। ऐसे कोई भी बात नहीं रही है जो फिर से बाबा को बताना पड़े, जो हम पूछे बाबा को। तो पूछने की कोई बाबा कहते जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करने की जरूरत है? जो बाबा ने सुनाया है उसको मनन करना है और अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। तो कमजोर होने के कारण बाबा कहते हैं बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए सदा यह याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। अपने आप को बाबा कहते हैं ऐसे जिम्मेवार समझो कि हम हमारी चढ़ती कला अनेक आत्माओं की चढ़ती कला का आधार है। तो चढ़ती कला अपनी हो, लेकिन सर्व का भला इसमें समाया हुआ है। अच्छा, बाप के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने। चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रॉयल रूप से बचाने वाले, ऐसे माया जीत कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से मुलाकात है। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, यह स्मृति रहती है। निश्चय का फल है विजय। हम निश्चय बुद्धि आत्मा है और निश्चय बुद्धि ही विजयी रत्न बनते हैं। तो निश्चय का फल बाबा कहते हैं विजय है। कोई भी कार्य करते हैं, अगर कार्य करते हुए कोई भी कार्य हम करते हैं, तो कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी विजय न हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हार होती तो उसका कारण निश्चय में कमी। अगर स्वयं में भी संशय है, यह होगा नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, तो भी संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे। बाबा कहते संकल्प में भी अगर हम अपने ऊपर संशय आता है स्वयं में, तो भी बाबा कहते हैं इसको संपूर्ण निश्चय नहीं कहते हैं। तो निश्चय बुद्धि का संकल्प कैसा होगा? दृढ़ होगा। जो निश्चय बुद्धि होगा उसका संकल्प, हर संकल्प दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं। जो होगा वह कर लेंगे, यह भी संशय का संकल्प है। तो संकल्प, संशय के कौन कौन से संकल्प है रॉयल रूप में?
बाबा हमें स्पष्ट बता रहे हैं जो होगा वह कर लेंगे, तो ये भी संकल्प जब हमारे अंदर आता तो ये बाबा कहते हैं ये संशय का संकल्प है, जो होगा नहीं, जो होगा नहीं, ऐसा संकल्प नहीं तो हुआ ही पड़ा है, ऐसा निश्चय, ऐसा दृढ़ संकल्प, इसको बाबा कहते हैं निश्चय। कर्म करने के पहले भी निश्चय हो कि हुआ ही पड़ा है, कोई भी कर्म हम करते हैं तो कैसा उसका शुरुआत संकल्प से जो हम करते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए जिससे हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बाबा हमें एक बहुत बड़ी युक्ति है, हमें बता रहे हैं कि हुआ ही पड़ा है, हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हर कर्म हुआ ही पड़ा है, ऐसी स्टेज है। बाबा पूछ रहे हैं कैसी भी माया आवे लेकिन डगमग न हो, निश्चय बुद्धि हर तूफान व माया के विघ्न को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे साइंस के साधन हैं तो गर्मी होते भी उसके लिए गर्मी नहीं है, ऐसे जो निश्चय बुद्धि होगा उसके आगे माया के तूफान आएंगे लेकिन उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, जैसे साइंस के साधन होते हैं तो हम कितनी भी गर्मी हो एसी शुरू करते हैं गर्मी खत्म हो जाती है, तो जैसे साइंस के साधनों से ये हमें अनुभव होता है, तो बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि होगा उसके सामने माया अनेक तूफान लाएगी लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो क्या होगा सेफ बचाव, सेफ अर्थात वो सदा सुरक्षित, सेफ रहने के साधन उसके पास है तो माया जीत बन जाएंगे, हर कार्य में स्वयं निश्चय बुद्धि, ऐसा निश्चय बुद्धि सदा साक्षी होकर अपना पार्ट भी देखते और दूसरों का भी देखते, विचलित नहीं होते, वो सदा साक्षी होके अपना भी और दूसरों का भी पार्ट देखना, तो इससे क्या होगा विचलित हम नहीं होंगे, क्या क्यों मैं नहीं चाहते, स्थापना के कार्य में जो आदि रत्न हैं उन्हें आदि रत्न का नशा है, यह नशा भी खुशी दिलाता है, जिस भाग्य को आज स्वप्न में भी देखने की इच्छा रखते वह भाग्य अपने प्रैक्टिकल जीवन बिताकर अनुभव किया है, आप लोगों ने चैतन्य में अनुभव किया, अभी सब चरित्र सुनने वाले हैं, जो आदि रत्न है उन्होंने हर जो भी यादगार है हमारे तो हर चीज का प्रैक्टिकल में उन्होंने अनुभव किया और अभी उनके चरित्र सुनाए जाते हैं, तो यह कम भाग्य है क्या, और किसी भी प्रकार का भाग्य अभी भी प्राप्त कर सकते लेकिन यह भाग्य प्राप्त नहीं कर सकते, जो आदि रत्नों को भाग्य है वो बाबा कहते हैं ये भाग्य जो है वो केवल उन विशेष आदि रत्न आत्माओं को ही है और कोई भी ये भाग्य अभी प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा भाग्य तो कोटों में कोई और कोई में कोई प्राप्त तो होता है, अगर आदि में आने वाले
और कुछ भी याद न करे, सिर्फ भाग्य का सुमिरन करते रहें कि कल कल का नूंदा हुआ हमारा पाठ है, तो भी सदा खुश रहेंगे। ब्राह्मणों की विशेषता है खुशी, खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं। तो ये चेक करना है, तो सदा खुश हम रहते हैं, तो खुशी अगर नहीं है किसी भी कारण से, तो बाबा कहते हैं उस समय हम ब्राह्मण नहीं। वर्तमान समय विदेश से फास्ट सर्विस शुरू हो रही है। थोड़े समय में बहुतों को एक ही समय सब साधनों से पैगाम देने का शुरू हो गया है। जैसे अभी विदेश संदेश देने में ज्यादा सहयोगी है, सब साधन सहज ही प्राप्त होते जा रहे हैं। यही कॉफी विदेश से भारत करेगा। भारतवासी फिराक दिल नहीं होते हैं, संकोच वाले होते हैं, और विदेशी फिराक दिल होते हैं। तो ये विदेशियों की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि विदेशी का ये नेचर होता कि वो फिराक दिल होते, और भारत वाले संकोच वाले, यानी संशय उठाने वाले अंदर। तो यही वहां का आवाज भारत तक पहुंचते भारत को शिक्षा मिलेगी। शर्म आएगा कि विदेशी हमारे भारत की फिलॉसफी को महत्व देते और हम नहीं देते। यह एक ही समय में सब साधनों द्वारा फास्ट सर्विस का फाउंडेशन फैलता जा रहा है। हर वर्ष में कोई नवीनता चाहिए, तो विदेश से यह आकर्षित होंगे ज्ञान और योग की नॉलेज में। यह भारतवासियों को एक पाठ मिल जाएगा। जो भी होता है उस पाठ में कोई ना कोई विशेषता। तो रिस्पोंड चारों ओर के उमंग उत्साह होने कारण अच्छा है। यह भी यादगार बनते जाएंगे। यही विदेश जहां जहां ब्राह्मणों द्वारा सेवा का पाठ चलता है, विदेश जहां जहां ब्राह्मणों द्वारा सेवा का पाठ चलता है, वही फिर भविष्य में शहर के स्थान बन जाएंगे, यादगार के रूप में बनेंगे। मंदिर नहीं होंगे, सतयुग में मंदिर नहीं होंगे, लेकिन यादगार के रूप में प्रैक्टिकल स्थान की व्यू यादगार के रूप में होती। विशेष नामी ग्रामी व्यक्तियों द्वारा जो सेवा हो रही है, उससे भारत को शिक्षा मिल रही है, और भविष्य राजधानी के स्थान भी निश्चित होते जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये आज जो वाणी दी थी वो तो पूरी हो गई है, जो जिसका हम टाइटल था, जो हमने सुना। संगम युग धर्माओं को चढ़ती कला, सर्व का भला का विशेष वरदान। तो ये वाणी का
टाइटल था कि संगम युग जो है, जो धर्मा युग है, तो चढ़ती कला, हमारी चढ़ती कला एक आधार है जिससे सर्व का भला होता है अपने आप। तो ये वरदान प्राप्त करने के लिए किन-किन बातों को हमें विशेष ध्यान देना है, तो ये सब बातें बाबा ने हमें विस्तार से और बहुत ही उदाहरण दे के हमें समझाया है कि अपने आप को कैसे हमें कमजोर नहीं समझना है, निश्चय बुद्धि हो के रहना है। और अगर हम निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं तो ये निश्चय बुद्धि हमारी स्थिति को कभी विचलित नहीं होने देता। हर परिस्थिति में, हर समय में हम अपने आप को एक रस अनुभव करते हैं और सदा साक्षी होने के कारण किसी भी का भी पार्ट हो, भले स्वयं का हो और अन्य का पार्ट हो, तो उसको भी हम साक्षी होके देखते हैं क्यों क्या में नहीं जाते हैं। और इसके कारण ही हमारी चढ़ती कला का ये आधार बन जाता है। और हमारी चढ़ती कला होती है जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है, ऊंच बनती है, तो हमारी स्थिति से ऐसे वाइब्रेशन फैलते हैं जिसको अपने आप अन्य आत्माएं भी कैच करती हैं और उनको भी ऐसा बनने का अपने आप प्रेरणा मिलती है। उसमें भी सर्व का कल्याण जैसे समाया होता है। ये सब बातें बाबा ने हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई है। कोई भी रॉयल संशय जो है वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा ना। तो हमने ही कल पहले किया था और हम उसको अवश्य करेंगे। जैसे हर संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए, कोई भी संकल्प जो है हमारा, जो निश्चय बुद्धि होगा उसका हर संकल्प दृढ़ होगा, तो कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने की युक्ति बाबा ने हमें दी है कि हमें संकल्प कैसे करने चाहिए। तो सदा हम हर कर्म की प्रैक्टिकल में हम करें अभी, कि कोई भी कर्म करते हैं तो हमें दृढ़ संकल्प से शुरुआत करनी है। कोई भी ऐसा संकोच वाला संस्कार, संकल्प हमारा नहीं होना चाहिए। और जो हमारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है वो हमें अपने आप दृढ़ संकल्प से प्राप्त होगा। जैसे हर कार्य हमारा हुआ ही पड़ा है और विशेष बाबा ने हमें बार बार कहते ही है कि हाँ, ब्राह्मणों का नेचर है, खुशी है, और सदा ही अपनी खुशी जो है सदा हमें कायम रखनी है। अगर खुशी गुम होती है तो उस समय हम ब्राह्मण नहीं। तो ये नेचर हमारा जो है ब्राह्मणों का, सदैव खुशी में रहना। तो ये विशेष वरदान हमें मिला है, उसको हमें अभी प्रैक्टिकल में अभ्यास करना है। जितना अभ्यास हम करते हैं, अभ्यास के लिए हर पॉइंट का ज्ञान जो है हमें दिया है बाबा ने, उसकी स्मृति की शक्ति को हमें बढ़ाना है। जितनी जितनी स्मृति को हम शक्ति स्मृति की शक्ति को बढ़ाएंगे, ज्ञान को मनन करेंगे और ज्ञान को मनन करते करते अपने आप को शक्तिशाली बना पाएंगे। तो ये बाबा ने कहा है
कि ज्ञान हमने अभी तक बहुत सुना है, ऐसी कोई पॉइंट बाबा ने नहीं छोड़ी जो सुनाना पड़े या सुनाना सुनाने का बाकी हो, लेकिन जो सुना है हमने, बल एक पॉइंट हो, उस पॉइंट को अभी मनन करने की आवश्यकता है। और जितना हम मनन करते हैं, अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो ज्ञान है ही शक्तिशाली खजाना बाबा का, लेकिन उसको अपने जीवन में ला के शक्तिशाली बनाने का साधन है मनन करना। अगर मनन नहीं करेंगे, सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, कितना सुनेंगे, लेकिन कोई भी एक पॉइंट हो, जैसे खुशी है, तो ऐसी पक्की हो और प्रैक्टिकल में अपने अंदर हो, कि कोई भी परिस्थिति में संकल्प मात्र भी हमारी खुशी नहीं जाए। सदा साक्षी होके हम जब देखते हैं अपने पार्ट को, दूसरे को, निश्चय बुद्धि होके स्वयं में और ड्रामा में और बाबा में भी, तीनों में अगर निश्चय होता है, साक्षी होके देखते हैं, तो हमारी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। तो ये वरदान जो हमें बाबा ने दिया है, उसको हम अभी प्रैक्टिकल में लाएं और उसका अभ्यास हम करें, स्मृति की शक्ति को बढ़ाएं। तो ये आज की वाणी का विशेष वरदान था, ये हमें अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। हाँ जी, आज की मुरली पूरी हुई जो हमने दी थी, 7/6/1977 की। अच्छा, ओम शांति। अभी ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए अंकुर भाई जी। सॉरी, ओम शांति। गलती से ओम और कोई चिंतन शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने क्या कहा? शांति। बाबा ने कहा, सुने हुए को मनन न करने से कमजोर बन जाते हैं, शक्तिशाली नहीं बनते, कमजोर बन जाते, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकती कला में आ जाते। बाबा कहते, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते, और जो निश्चय बुद्धि होगा, उसका दृढ़ संकल्प होगा कि हुआ ही पड़ा है, वो कमजोर संकल्प नहीं करेगा, हमेशा दृढ़ संकल्प होगा। ओम शांति। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते हैं जब अगर माया, कोई भी परिस्थिति माया की आई तो घबराना नहीं है, उसको डर किना नहीं है, निश्चय बुद्धि होकर उसका सामना करना है, तभी हम विजय पाएंगे। ओम शांति। बोलिए मीनू सिस्टर। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम सब बच्चों की चढ़ती कला से सर्व का भला हो जाएगा, कि हमारी चढ़ती कला पे सब कुछ डिपेंड करता है। ओम शांति। जी, सो चढ़ती कला में आने के लिए हमें निश्चय बुद्धि रहना है। सो निश्चय बुद्धि विजयंती बनने का विधि क्या है? बोलिए। कि हर चीज निश्चय हो, ड्रामा पे निश्चय हो,
स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ये पक्का निश्चय चाहिए। जी दीदी, लेकिन सदा खुश, जब हम सदा खुश रहते हैं तो फिर जो भी परिस्थिति आए हमारी अवस्था अचल और अडोल रहेगी। और बाबा पे संपूर्ण समर्पण, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन जो है संगम युग का बहुत ही कल्याणकारी है। इसमें जो कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ नुकसान भी हो रहा है, उसमें भी बहुत कल्याण समाया हुआ है। कि जब हम औरों को देखते हैं और जब हम ब्राह्मण बच्चे अपने दिनचर्या अपनी स्थिति देखते हैं, तो ये फील होता है कि जो नुकसान है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो इतना दृढ़ संकल्प हो कि ये निश्चय हो कि ये हुआ ही पड़ा है, वो ही है, तो ये ही दृढ़ संकल्प लेंगे तो दैट निश्चय बहुत अटल है। और अगर हम हार होती है हमारी, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा निश्चय हिल रहा है। ओम शांति। हाँ जी, तो स्वयं में निश्चय डेवलप करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए पूजा सिस्टर। जी पूजा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने अब रिवाइज कोर्स और रियलाइजेशन कोर्स जो है इसीलिए शुरू किया है कि हम अब सुने हुए को सब मनन करें। अब जब मनन करेंगे तब हमारे हम शक्तिशाली बन सकेंगे, और जब हम कमजोर हो गए थे तो तब हम चढ़ती कला में नहीं जा सकते थे, यानी कि हमें अलबेलापन आता था, आलस्यपन आता था, बुद्धि भटकती थी। तो अब इस समय हम निश्चय बुद्धि बन विजयी भव विजयी बनना है, और हर कार्य करते हुए स्वयं को और बाप में और ड्रामा में निश्चय हो, कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। तो ऐसे संकल्प दृढ़ होगा कि जो होगा कर लेंगे, नहीं हुआ ही पड़ा है, ऐसा हमें दृढ़ संकल्प करना है। कर्म करने से पहले ही हमें निश्चय हो कि अब तो ये काम हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। हाँ जी, ये भी एक विधि है। हाँ बोलिए शेली सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने मुरली का ऊपर से जो टाइटल है वो ही है कि संगम युग जो है उसको चढ़ती कला का भला, चढ़ती कला सर्व का भला होने का विशेष वरदान प्राप्त है, और उनमें हम आत्माएं जो है वो जो बाबा के बच्चे बने हैं सब चढ़ती कला की ओर है। लेकिन बाबा ने बोला ना कि चढ़ती कला हम विशेष इस हमारी जो जीवन मुक्ति की अवस्था है, दूसरी आत्माओं के लिए को जो है वो मुक्ति की अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब हम इस चीज के ऊपर अग्रसर हैं। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा मुरली में कई कौन से भाव से क्या बात कहते हैं, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं कि अलबेलेपन और आलस्य के कारण बाबा के बोल को तो पकड़ लेते हैं, उसके भाव को वो पीछे कर देते हैं। माना कि जैसे बाबा ने कहा कि अभी पुरुषार्थ सब पुरुषार्थी हैं, अभी कौन सा ब्रह्मा बाबा भी कौन सा जो है वो कंप्लीट हुआ है, संपन्न बना है, तो इस प्रकार के बाबा वो बच्चे इस चीज को पकड़ते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला कि ये इस समय हमारी चढ़ती कला है, ना कि रुकती कला। अगर ऐसे ऐसे बातें आप बोलोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी तो वो चढ़ती कला हो ही नहीं सकती ना, माना कि आप रुकती कला में आ जाते हो। तो इसलिए बच्चे अपनी बहुत होशियारी दिखाते, लेकिन होशियारी ही उनकी ये वाली जो है ना उनके प्रारब्ध को जो है उसमें विघ्न डालती है। तो इस करके ना बाबा ने बोला है कि जैसे महारथियों के लिए भी बोलते हैं कि महारथी जो है अभी कौन सा कोई कंप्लीट बना है, महारथियों में भी ये बातें आ जाती हैं, तो हम कौन सा पीछे, हम जो है हम कौन सा उनसे बड़े हो गए, तो अगर हमने ऐसा कर लिया तो क्या हुआ। लेकिन बाबा बोलते हैं कि आप उनको मत देखो, आप स्वयं के पुरुषार्थ को देखो, खुद को आगे, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा।
तो इस प्रकार हमें बाबा के बोल भाव को पकड़ना है, बोल को नहीं पकड़ना है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए वंदना सिस्टर। वंदना कुलकर्णी सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? बोलिए गीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। संगम युग का संग जो है कल्याणकारी युग, सर्वकर्म में कल्याण समय हुआ है, और ब्राह्मण जीवन का नेचर खुशी है। खुशी नहीं तो कुछ नहीं, तो हमारा खुशी कायम रखना है। ओम शांति। हाँ जी और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो स्वयं में निश्चय डेवलप करने के लिए मनन करना। और बोलिए अनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। अगर स्वयं में निश्चय बढ़ाने के लिए मतलब जो मुझे आत्मा का चिंतन चला है, तो यही है कि एक तो हम अपनी जब ज्ञान में चलते हैं तो उससे पहले अपने संस्कार और ये संस्कार देखे कि हमारे में कितना परिवर्तन आया, और उस समय अपनी प्राप्तियां हम सामने सारी रखें कि हमने क्या क्या पाया है, और जो हम ज्ञान सुन रहे हैं उसका गहराई से इस चीज का चिंतन करें कि मतलब जो ड्रामा के पार्ट है उसको साक्षी होकर देखने का हम कोशिश करें, तो हमारा निश्चय बढ़ता चला जाएगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर, सो रियलाइजेशन कोर्स करना। बोलिए वंदना सिस्टर, हैंड रेस के है ना? हाँ जी ओम शांति भाई। बाबा हाँ जी। कहते हैं हर में स्वयं में निश्चय चाहिए। ऐसे निश्चय बुद्धि वाले सदा से भी नहीं देखते, विचलित कभी भी नहीं होते, क्या क्यों में नहीं जाते, ऐसे बाबा ने कहा, बाबा का कहना। ओम शांति भाई। नहीं दे रहे? हाँ जी सिस्टर। हाँ तो क्या और कोई शेयर करना चाहते हैं? अगर हम मुक्त रहेंगे, रखना हम पूरा ध्यान ज्ञान पे या ओम कमरे शांति। पे। अनीता सिस्टर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। जी, जिससे हम परचिंतन से मुक्त रहें या व्यर्थ से मुक्त रहें, और फिर मतलब हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन उसी पर ही अपने ज्ञान पे, तब भी हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा। अगर हमारा व्यर्थ कहीं चल रहा है या हमारा परचिंतन चल रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फिर ज्ञान में संशय आने लगता है। जी हाँ जी सिस्टर बोलिए भाई जी। हाँ ओम शांति। बाबा ने बताया अभी जो नामी ग्रामी ब्राह्मणों के द्वारा देश विदेश में सेवा का पाठ चल रहा है, विशेष विदेश के बारे में, बाबा कहते हैं वो भविष्य में शहर के स्थान बन जाएंगे। भले वो हम यादगार बनेंगे लेकिन मंदिर वगैरह नहीं बनेंगे, लेकिन व्यू माना दृश्य यादगार के रूप में हो। तो बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि विदेश वाले खुले दिल के होते हैं, अच्छे दिल, खुली दिल होती है, फ्राक दिल, और भारतीयों जो है ना बाबा के बच्चे वो थोड़े संकोच वाले होते हैं। तो विदेश वाले शिक्षा देंगे बाबा को, भारतवासियों को, कि भारत में भगवान आया है और कैसे उसको हर कोने कोने में प्रसिद्ध करना है, फिर भारत वाले जागेंगे। ओम शांति। हाँ जी। हाँ बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर। बाबा ने कहा है कि संगम युग को, यानी धर्माऊ युग, संगम युग को, धर्माऊ युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान है। तो हमें ये, यानी थोड़ा जैसा मेरा चिंतन चला, तो मुझे ये लगता है, कल भाई जी ने भी बताया था कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है?
तो लक्ष्य हमारा है कि भाई जी ने भी कल बताया था कि हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना नहीं, लेकिन सर्वोच्च पावन देवी देवता बनना है। तो संगम युग में ही ये सब होता है, और हमारी जैसे जैसे चढ़ती कला होती है तो सारी दुनिया की भी चढ़ती कला होती है। पंजाबी लोग जो अरदास करते हैं, जो गुरुद्वारे में उनका पाठ होता है, तो अरदास करके अंत में लास्ट की लाइन होती है जब वो समाप्त करते हैं कि चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। तो मेरा ये चिंतन चलता था कि तेरे भाणे क्यों, मीन्स किसके भाणे। तो पता चला कि हमारा जैसे जैसे चढ़ती कला होता है तो सारी दुनिया कोई हमें, शायद इसमें एक लाइन आई भी है कि हमें सबको साथ ले जाना है जहां हम, भाई जी ने भी कल क्लियर किया था, तो सॉरी मुझे याद नहीं कल क्लियर किया था तो या आज की मुरली में कुछ आया है, तो मैं उनकी रोज क्लास सुनती हूँ, तो उसमें भी था कि हम कैसे जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ होता है उसी तरीके से हमारे आसपास वाले जिनको बाबा का ज्ञान नहीं भी है तो उनकी चढ़ती कला होती जाती है। तो संगम युग को खास वरदान है, तो हमें ये अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी है कि कैसे हम अपना पुरुषार्थ इतना बढ़ाए हैं कि हमारी जीवन मुक्ति की स्टेज आज ही रहे और मुक्ति में सब जाने वाले उनको अपने आप ही, उनको भी, उनका भी सबका भला होता जाए। ओम शांति। हाँ जी बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी तो आपने कहा कि निश्चय को कैसे बढ़ाया जाए, तो पहले हम ये सोचें कि फर्स्ट तो शिव बाबा जिनका टाइटल ही है सत्यम शिवम सुंदरम, तो बाबा जो भी कहते हैं वो सत्य है क्योंकि ट्रूथ इज गॉड इज ट्रूथ कहते हैं बाहर की दुनिया में। तो बाबा ने कहा है तो वो होना ही है और वो होगा भी, हुआ ही पड़ा है। तो इतना निश्चय जब परमात्मा पे है, और उन्होंने फर्स्ट लेसन जो हमें पढ़ाया कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम अधिकारी बच्चे हो और तुम ही मनुष्य से देवता बने थे पहले भी, कल कल के तुम विजयी रतन आत्मा हो। तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो बाबा ने हमें सुनाई है और जो सत्य ही बोलता है, ऐसे सत्य बाप के हम बच्चे हैं। तो इस सत्यता पे हमें दृढ़ता पूर्वक ठहर कर पुरुषार्थ करना है और जो बाबा हमसे चाहते हैं हम वो बने। तो इससे ज्यादा निश्चय तो स्वयं, क्योंकि जब बाबा पे निश्चय है तो बाबा की कही हुई बातों पे निश्चय, तो उस दृढ़ता से हम वो अचीव करें तो स्वयं पे निश्चय आ गया। और जो जैसे बाबा कहते हैं अगर हम वैसा करें तो परिवार भी जो परिवार जन है, जो बाबा की सेलेक्टेड आत्माएं हैं सभी, तो उन पे भी निश्चय है। और ड्रामा तो कल्याणकारी है, बाबा ने ऑलरेडी बताया है, तो सारे बातों में निश्चय जो है वो सेट हो जाता है। ओम शांति। जी हाँ बोलिए गैलेक्सी जीरो। सिस्टर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आप माइक ऑन किए हैं? और कुछ शेयर करना चाहते हैं? एक 69 मुरली में बाबा ने एक महावाक्य कहे हैं कि जब हम हमारा अपना स्वमान, अपनी सर्विस, अपनी श्रेष्ठता, ये अपने से ही गुप्त है, इसलिए सृष्टि से ही गुप्त है। जब अपने से वो प्रत्यक्षता होगी ना, तब सृष्टि से ही प्रत्यक्षता होगी। इसलिए हमें अपने आप के ऊपर काम करने हैं, तो डीप रियलाइजेशन करने हैं, तभी हमारा जो महानता,
या कहो हमारा जो कमजोरी है ना जना, हमको पता चलेगा तब उसके ऊपर हमें काम कर सकते हैं। जब हमारे हमारे अपने आप के ऊपर जब निश्चय होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली हम बाप के ऊपर भी निश्चय हो जाता है, ड्रामा के भी 100% निश्चय डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए होल मुरली बाबा ऐसे बता है ना, कॉन्सेप्ट यही है बाबा को। बाबा हमारे अपने आप के ऊपर निश्चय बढ़ाने के लिए बाबा ने ये मुरली कंप्लीट चलाई है। सो कैसे हम अपने आप के ऊपर निश्चय बढ़ा के हम चढ़ती कला में जा सकते हैं, सो वही है ना बाबा का कॉन्सेप्ट भी। अभी समय भी हो रहा है, शायद आप पोल का आंसर भी किए होंगे। अभी होमवर्क लेंगे हम। आज का होमवर्क है, सो निश्चय बुद्धि विजय रत्न रत्न बनने के विधि है। सो हर कार्य करने के पहले स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। सो सर सब प्रकार से निश्चय से हमें कार्य करनी है, तभी हमें विजय प्राप्त होती है। और हर कार्य करने के पहले हमें यही दृढ़ संकल्प करना है कि सफलता हुआ ही पड़ा है। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। शायद आप सभी पोल का आंसर दिए होंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपनी आत्मिक स्थिति में उपस्थित कीजिए। अपने पाठ को साक्षी होकर देखिए। मुझे कौन मिला है? उनसे मुझे क्या-क्या प्राप्ति मिली है? मैं क्या बनने वाली? अपने आप के ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि डेवलप कीजिए। मैं आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ। मेरा हर कार्य में विजय हुआ ही पड़ा है। वारे में वाह ड्रामा वाह। ओम शांति। शांति, इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा।